So students, till now we have discussed that Ratna looked up and seeing a stranger there and then she stopped singing. Ratna रुक जाती है गाना गाते हुए जब वो लेखक के घर पे गाना गा रही थी क्योंकि वहाँ पे रंगा आ जाता है. Now let's see what will happen next. Suppose you have the best quality mango. मान लो अब जब रत्ना रुक गई तो रंगा ने कैसा महसूस किया उसको उसकी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर कंपेयर कुछ इस प्रकार से किया गया है. देखिए मान लो यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो लेकर के आते हैं. यू ईट इट स्लोली, धीरे धीरे खाते हैं. सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब तो स्वाद चखना. इट्स पील, इसके छिलके का स्वाद चखते हो खाने से पहले. बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, इसका जो अंदर का जो फ्लैश होता है, फ्लैश सॉरी, जो गुदा होता है उसको खाने से पहले आप छिलके को चखते हैं. यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं करना चाहते. बिफोर यू टेक अनोदर बाइट, और इससे पहले कि आप कोई और बाइट ले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, यह आपके हाथ से स्लिप हो जाता है एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है. हाउ डू यू फील, फिर आप कैसा महसूस करते हैं. रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर यही डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है. वैन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब गाना रुक जाता है. यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया. ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, रंगा ने पूछा जैसे वो अंदर आया तब. नेक्स्ट, रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी के ऊपर रत्ना खड़ी हो गई. हर हेड लोवर्ड, उसका सर झुका हुआ था. रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा ने लगातार उसकी तरफ देखा बार बार. ग्लैंस का मतलब होता है देखना. वंस आर आईज मेट, एक बार हमारी आंखें मिली, किसकी, रंगा की और लेखक की. एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब होता है परेशान दिखा वो. नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला. फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, मेरे आने से इनकी सिंगिंग रुक गई है, मुझे जाने दो. आई लेट मी लीव, मुझे जाने दो या मुझे जाना चाहिए. वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, बहुत ही दुर्लभ शब्द उसने बोले थे. द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, उसने बोला कि वो जाएगा लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रत्ना पसंद आ गई थी. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग का, कलयुग में ऐसा कब होता है कि एक आदमी जो बोलता है वैसा करता भी है. कथनी और करनी में बिल्कुल भी समानता नहीं है आज के टाइम पे, ऐसा यहाँ बताया गया है. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, शर्मा कर के अंदर चली गई वो. आफ्टर ए लॉन्ग, आफ्टर ए वाहिल रंगा आस्क्ड, फिर थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल, स्वामी कौन थी लड़की, हु इज दैट इनसाइड, वो जो अंदर गई. द लॉइन वॉन्टेड टू नो, अब ये शेर जानना चाहता है कि लड़की कौन है. यहाँ पे शेर जो है रंगा को बोला गया है. द ही गोट, और वो बकरा, हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और उस बकरे ने रिप्लाई किया जो उसने अभी मंदिर में शरण ली है. डज इट मैटर हु आई एम, कि मैं, ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ. यहाँ पर ही गोट जो है रंगा रत्ना के लिए यूज़ किया गया है. आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइंस, मैं एक बेचारा जानवर हूँ जिसने 9 शेरों को पहले से खा लिया है. एंड आई हैव वॉड, और मैंने कसम खाई है टू ईट वन मोर, एक और खाने की. ओके, टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल. द लॉइन फ्लैड, फ्लैड का मतलब होता है जगह छोड़ देना. द प्लेस इन फियर, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि डर की वजह से उस शेर ने जगह छोड़ दी है. लाइक द ही गोट, उस बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा.
What does it matter to either of us who she is? क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों के लिए कि वो लड़की कौन है? यहाँ पर ही गोट जो है, माफ़ कीजिएगा मैंने रत्ना को बोल दिया, यहाँ पर ही गोट लेखक ने खुद को बताया है, तो मैंने ही गोट को अपने आप को एज्यूम करते हुए कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है भाई रंगा कि वो लड़की कौन है हम दोनों के लिए, क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने वाले हो नहीं, तो छोड़ो फिर क्या लेना देना। वेरी होपफुली, बहुत ही उम्मीद कर करके ही आस्कर उसने पूछा, शी इज नॉट मैरिड देन? अच्छा तो उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बेटर हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी आवाज़ ने उसकी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, बट मैं जानता था कि उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, मैंने कहा, झूठ बोला मैंने कि उसकी शादी अभी अभी हुई है एक साल पहले। और जैसे ही मैंने ये बोला, हिज फेस श्रीवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, एक भुने हुए बैंगन की तरह उसका जो चेहरा था वो मुरझा गया। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट, कुछ समय के बाद रंगा चला गया सेइंग ये कहते हुए, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं नेक्स्ट डे अपने गाँव के शास्त्री जी के पास गया और उससे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, सब कुछ पहले से ही तैयार रखना स्टार्स वगैरह को पढ़ने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, जो कुछ मैं उसे कहलवाना चाहता था मैंने सब कुछ उसको समझा दिया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वैन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, वट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स आई सेड, मैंने कहा, रंगा क्या बात है, तुम कहीं खोए खोए से दिख रहे हो। Nothing is wrong, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बिलीव मी, मेरे विश्वास करो। Headache, थोड़ा सर में दर्द है क्या? कम आओ, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है, नरेटर है, उसने पहली मीटिंग करवा दी है रत्ना और रंगा की। अब उसका जो मेन प्लान है वो उन दोनों की शादी करवाना चाहता है, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।